एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द फैमिली वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई नो मैं थोड़ा इंट्रो करने के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि अरे मैंने तो इंट्रो कराई नहीं अपनी वीडियो का। सो वेलकम फ्रॉम आवर साइड टू यू। हैप्पी भैया दूज। हैप्पी भैया दूज टू एवरीवन। सबके भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सो आप कैसे भैया दूज बनाते हैं? हम तो यहाँ पे है इस बारी बॉम्बे में, दिल्ली में नहीं है तो हमारा। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। आपको क्या मस्ती छा रही है? बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, कंफर्टेबल वियर में आ गए बच्चे भी। सो मैं यही बोल रही थी कि आपकी बारी भी भैया दूज। सारे फेस्टिवल हमारे बॉम्बे में ही है क्योंकि हम लोग घर नहीं गए हैं, है ना? दादी नानी हो जाना है ना, बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं। सो बोल रहे दीदी को, दीदी क्या हो जाए, दीदी क्या माऊ, क्या माऊ? इसका माऊ करने का मतलब ये होता है कि खम चीजी मेरी खम हो गई, माऊ माऊ हो गया। क्या हो गया माऊ माऊ? क्या माऊ माऊ हो गया चाहू? मामा माऊ माऊ हो गया। और क्या चाहिए अब आपको? इतने नौटंकी बच्चे क्यों हो रहे हो हैं? अम्मी नहीं आ रही है ना सबको? चलो अब सो जाओ, दोपहर हो गई है, अब सो जाओ और आप हमारा व्लॉग एंजॉय करो। इट्स मॉर्निंग टाइम। मैं अपने हस्बैंड के लिए आलू गोभी बना ली थी तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ उसकी। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और सरसों के तेल में बना रही थी मैं इसको। मैं इधर आलू भी चॉप करके रख लिए थे। ये मैंने धनिया डाल दिया। मैं धनिया लेके खुद ही पीसती हूँ, धनिया को मिक्सी में पीस लेती हूँ, मैं बाहर से धनिया नहीं लेती। और यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया है। और जो आलू है उसको हम थोड़े से पहले क्रिस्प कर लेंगे, जब तक मैंने गोभी को भी थोड़ा उबाल लिया है क्योंकि कोई कीड़ा होता है या वैसे भी आप कट करते हो तो पता चल जाता है, बट फिर भी मैं उबाल के एक पानी में करके फिर बनाती हूँ गोभी को। और ये हम तब तक थोड़े से आलू को क्रिस्प कर लेंगे अच्छे से और फिर गोभी डालेंगे। गोभी को छान के पानी सारा निकाल के फिर अब इसको जब तक हम कर लेंगे आलू हो जाएंगे। मैंने अदरक हरी मिर्च भी डाल दी है, अदरक के जूलियंस करके और हरी मिर्च को लंबा लंबा करके, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस मैं नहीं डालती हूँ, बच्चों को खाना होता है तो बच्चों के मुंह में आता है तो उनको स्पाइसी लगता है। सो मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च और इसको भी अच्छे से रोस्ट करूँगी। आप एक टमाटो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है। तल के भी बनाते हैं बहुत लोग, मैं बनाती हूँ बट ओकेजनली बनाती हूँ, अदरवाइज जब रेगुलर वे में हूँ तो हम मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और गोभी को भी हम कर लेंगे, इनको अच्छे से पहले अच्छे तेज आंच पे रोस्ट करेंगे फिर हम ढकेंगे इसको। आटा गूंद चुका है, यहाँ पे हमारे आलू गोभी अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। एंड देन जो ये मैंने गोभी उबाली थी इसमें से मैंने बड़े बड़े फूल भी डाले हुए थे वो निकाल लिए थे, इसको कद्दूकस कर लूँगी। गोभी की परांठी बन जाएगी, सुबह का नाश्ता एंड हस्बैंड का लंच, हमारा लंच इज रेडी ना हो तो। इधर मैंने चपाती बनाने रखी थी, तवा गर्म कर दिया था और इधर मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया था, थोड़ा सा नमक लगा दिया था क्योंकि जो पानी होता है वो निकल। ये देखो कितना अच्छा गोभी आलू का कलर भी आया और अच्छे से बन भी गई है। फिर भी हम थोड़ा सा ढक के इसको भाप में पकाएंगे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, फिर हम थोड़ा खोल के पकाएंगे इसको अच्छे से। ये ऐसे गोभी आलू बहुत टेस्टी बनती है और आपको ऐसे लगे कि तली हुई गोभी आलू बना रहे हो आप। लास्टली मैंने इसमें टमाटो नहीं डाला था तो मैं थोड़ा सा चाट मसाला या आप अमचूर भी डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं, इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो डाल दिया। और उसके बाद ढक के रख दिया मैंने इसको पकने के लिए। जैसे गोभी के परांठे बनाने शुरू करेंगे, रोटी बनाना शुरू करेंगे, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच पैक करते हैं फटाफट हस्बैंड का
और आज मैंने लंच में इनको छाछ दी थी, पेठी की मिठाई, आलू गोभी और आलू गोभी, रोटी, ऑरेंजेस फ्रूट में। और आज भैया दूध भी था तो इन्होंने टिक्का भी लगवा लिया। बच्चे से दीवांशी को उठा दिया था हमने और उसको कहा फटाफट नहाओ और पापा को टीका करो। इधर मैं लड्डू गोपाल जी को भी टीका कर रही हूँ क्योंकि मैं हर बारी करती हूँ। ब्रदर दिल्ली होता है या मैं दिल्ली जाती हूँ, ऑलमोस्ट हम दिवाली पे जाते हैं तो मैं घर जाती हूँ भैया दूज पे, बट मैं यहाँ पे छोटे से अपने लड्डू गोपाल जी को भी कर रही हूँ टीका। साथ साथ घर पे वीडियो कॉल चल रही थी, वहाँ पे भैया दूज हो रहा था तो मैडम आराम से बातें कर रही थी वहाँ पे। हमारे यहाँ वही टीका लगाया जाता है जो दिवाली पे हम जैसे गणेश जी और टीका लगाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या जैसे हम लोग करते हैं? ऑलमोस्ट आई थिंक सबके यहाँ होता है, बट आप लोग कमेंट करिए कि क्या आपके घर भी ऐसे ही होता है। और यहाँ पे अब दिवांशी की कॉम कर रहे हैं जितेश, और इसके सुबह सुबह नखरे होते हैं, पापा ऐसे कॉम, पापा ये पिन, पापा वो पिन। बहुत रेयर होता है जितेश बच्चों की कॉम कर रहे हो, बट यस मम्मा से तो नखरे नहीं होते हैं, बट पापा के साथ तो बहुत सारे नखरे होते हैं। यहाँ देखो मैडम आराम से उनके उनको टीका करेगी, जय जय करेगी। ये सिक्का भी दिए हैं जितेश की बड़ी सिस्टर ताई जी की बेटी, वो भी टीका करती है जितेश को। वो देखो वीडियो कॉल में वो टीका करती है, कितना मिस होती हैं ये चीज़ें। और बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो एक वीडियो कॉल है हमारे पास कि हम बहुत कुछ उससे एक दूसरे को देख पाते हैं। यहाँ मेरे टीके की बारी, सिक्का दीदी मुझे भी टीका करेंगी, भैया भाभी दोनों को होता है। तो ये देखिए यहाँ मेरी लिटिल प्रिंसेस मुझे टीका करेगी। जानवी भी उड़ गई थी, मैं इन दोनों को प्यार कर रही थी भैया रोज के लिए। अब दोनों एक दूसरे को टीका करेंगे। मम्मा, इधर आओ, ठीक है। अब दे दूंगी लगा।
हगी करो एक दूसरे को। वेरी गुड, बोलो हम एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखेंगे। ओके, है ना जानवी? किसी दे दो दीदी को, किसी दे दो। वेरी गुड, आप भी किसी दे दो। यू आर एक्साइटेड ना? तुझे सबको टीका करोगे ना? जानवी हगी करो एक दूसरे को। किसी दे दो एक दूसरे को, किसी दे दो। आय 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 आय, वेरी गुड। आय आय आय, ऐसी प्यार बना के रखना एक दूसरे को। बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है।
फिर हमने ब्रेकफास्ट करके थोड़ी सी मस्ती करी, आराम से डांस वांस करा बच्चों के साथ, थोड़ा भैया दूज की फील ली बच्चों, क्योंकि अकेले होते हैं तो क्या ही हम एक साथ करेंगे। बट बच्चों को मैं हर एक फेस्टिवल एंजॉय करवाती हूँ और करवाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को मीनिंग पता चलता है कि हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है। अल्टरनेटिवली वहाँ पे भी चल रहा था मेरे घर पे टीका, मैंने बोला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अपने वीडियो में डालूंगी ये वीडियोस। दो बार और लगाने आपको लगा दिया आपका टीका, चलो मिल गया तो ड्रॉइंग बन गया टीका लगा दिया मामू, देखो टीका लगा दिया मामी के, लगाओ मामी सही से लगा रहे छोटा सा मामू आगे 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 मामू मामू देख ले मीठा खिलाओ, मैं भी खिलाऊंगा बिस्किट को मीठा, पहले आप तो पूछ ले, चलो मीठा खिलाओ, कुछ भी खिला दो खिलाना बाइट कर लेंगे ना, इट्स ओके खिलाना मामी। हाँ बस इतना ही जो आपके हाथ में है ना, इतना मीठा कौन का अरे मनीषा यार सर पे चुन्नी चुन्नी कुछ रखो, कोई तरीका है? अरे इतने मॉडर्न हो गए, चुन्नी तो अच्छी आ रहा है। थैंक यू आप दिखा रहे हो कूड़ा अपना साथ लेके जाए, हमारे फ्लोर पे ना गिरे ऐसे नहीं, रुको पहले एक तो छोटा करो, अब बांधो सब और रोल रोल कर दो। हैप्पी न्यू ईयर हम लंच में कर रहे हैं आलू गोभी और मिस्सी रोटी, यहाँ लस्सी चल रही है मीठी मेरी नमकीन छाछ, और यहाँ पे भी लस्सी चल रही है ना, लस्सी भी रहे हो आप, यमी लगती है आपको मीठी लस्सी?
नमकीन ना भाई, मेरे को तो अच्छी लगती है दोनों लस्सी, तो मैं दोनों लेती हूँ। मैं डिनर बनाई थी, तब तक मैंने ये सीन कैप्चर करा दोनों फ्रेंड्स का, शिवन ने और दीवान जी का डांस। बहुत ब्यूटीफुली ये दोनों ग्रेसफुली डांस करते हैं। और फिर मैं इधर अपना डिनर बनाने लगी थी, उसके बाद जितेश आ गए थे। जितेश के आने के बाद सी व्हाट हैड हैपन, ये पापा बेटी यहाँ घिया चने की दाल बनाई थी। पापा पापा आ गए, पापा मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ पापा, पापा आ गए, अब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। नहीं आ जाओ ना, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ ना, नहीं क्यों नहीं, नहीं आना। पापा चाहिए, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये पापा बेटी आ गई, पापा चाहिए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है पापा को, छोड़ना नहीं है पापा को। अच्छा चलो फिर हम खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे, खानी है आइसक्रीम, खानी है, खानी है, खुद उतारेगी ये बर्तन बटन। ओ वाओ। So if you like our video, do like, share and subscribe to our channel, The Family World. Your support is much needed. Thank you. See you soon. Bye.